नमस्ते नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं नई किरण न्यूज चैनल पर। आज हम उपस्थित है जो डुमरा वाला रोड जाता है, ये सामान आने वाला लोड सीतामढ़ी में वहीं पे। यहाँ पे एक पोस्टर आपको बड़ा सा दिख रहा होगा कृषि विभाग के तरफ से और नीतीश कुमार जी के तरफ से, मतलब कि ये किया गया है सिंचाई के लिए डीजल अनुदान का लाभ किसानों को बैंक खातों में। कहने का मतलब है जो आपका फसल उगाते हैं धान गेहूँ ये सब, इसके लिए जो मतलब कि जो आप खेत में खाद छींटते हैं या क्या बोलते हैं सिंचाई जैसे कदवा उदवा करते हैं, उसके लिए आप डीजल सरकार आपको देगी तो पैसे देगी आपको, उसके लिए आवेदन करना होगा। क्या है आवेदन, जैसे आपका डीजल जितना लिए 10 लीटर या 20 लीटर तो आपका पेट्रोल पंप से रसीद होना चाहिए, और दूसरा आपका जो खेत का जमीन का मतलब रसीद है या जो है वो आपका होना चाहिए। दोनों का आवेदन आप अपने प्रखंड में कीजिएगा तो आपको दिया जाएगा, आपके बैंक खातों में इसमें प्रक्रिया में आपको देनी पड़ेगी। आवेदन में सब जानकारी आपको देना होगा और एक इसका लास्ट डेट है, वहाँ पे एक कलर के लिखा दे सकते हैं, दिनांक 30/10/2023 तक सिंचाई के लिए क्रय किए गए डीजल के लिए ही मान्य होगा। यानी कि 30/10/2023 तक अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको डीजल की पैसा मिलेगा। अब एक कुछ दिन पहले यानी 4-5-6 दिन लगता जी मानिए ना, पहले न्यूज है जो केंद्र सरकार लॉन्च किए हैं सहारा इंडिया रिफंड। ये क्या है, जिससे जितने व्यक्ति का सहारा इंडिया में रुपया डूबा हुआ था, जानते होंगेगा कि भारत को मतलब बहुत से लोगों का सहारा इंडिया बैंक में रुपया डूबा हुआ था, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल। अगर आप अपने मतलब कि आवेदन करते हैं जो आपका बैंक के पूजा होगा जितना आप जमा किए हैं वो आप आवेदन करते हैं तो आपका हो सके तो आपको उनके तरफ से रिफंड जो रुपया होगा आपका वो दिया जाएगा। अभी आप देख रहे थे नई किरण न्यूज चैनल। जय हिंद, जय भारत।